महिलाएं जीवन में चाहती हैं तरक्की, तो ज़रूर करें ये उपाय, हर काम में मिलेगी सफलता। मैं हूँ रेशु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद रेशु पर। सनातन धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी और घर की देवी कहा गया है। औरतें घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। एक समय था जब महिलाएं सिर्फ घर का काम देखती थी, लेकिन अब वे घर से बाहर काम करती हैं। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के अलावा कुछ तरीके करने चाहिए। ऐसे में महिलाओं के लिए कुछ वास्तु उपाय करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी आर्थिक वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं औरतों के लिए वास्तु से जुड़े कुछ टिप्स। टिप नंबर 1, महिलाओं को रात को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से उन्नति में बाधा आ सकती है। टिप नंबर 2, महिलाओं को रोज सुबह शाम तुलसी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। टिप नंबर 3, महिलाओं को रात्रि में सोने से पहले शयन कक्ष में कागज पर थोड़ा सा सेंधा या काला नमक रखें। अगली सुबह चुपचाप इसे घर से बाहर फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस उपाय को आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। टिप नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर का मेन गेट या शयन कक्ष का द्वार अग्नि की ओर खुलता है, उस घर के ब्रह्म स्थान को अग्नि से अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसा घर महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। टिप नंबर 5, अग्नि कोण में शुक्र का वास होता है और इस ग्रह का संबंध स्त्रियों से है, इसलिए घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चिमनी खुली होनी चाहिए, नहीं तो उस घर में रहने वाली महिला किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। टिप नंबर 6, अगर आप करियर या कारोबार में तरक्की पाना चाहती हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर रात के समय एक पात्र में पानी, थोड़ा सा नमक मिलाकर रख दें। अगली सुबह पानी को किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। टिप नंबर 7, कामकाजी महिलाओं को गुरुवार का व्रत करना चाहिए। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। इसके लिए हर गुरुवार को जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे को जल का अर्घ्य दें। इससे भी मनचाही नौकरी मिलती है। टिप नंबर 9, वास्तु दोष को दूर करने के लिए रोजाना सुबह में पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इस उपाय को करने से भी वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही करियर और कारोबार में मन मुताबिक तरक्की मिलती है। टिप नंबर 10, स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और भोजन खाना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने से अन्न अग्नि देव का अपमान होता है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, स्नान करने के बाद भोजन खाना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना